जहाँ तक सोलन शहर को नगर निगम बनाने का प्रश्न है, ये प्रश्न पहले ही जब हम चुनाव में उतरे थे भारतीय जनता पार्टी की ओर से 2017 में, माननीय उस वक्त के हमारे मुख्यमंत्री के कैंडिडेट माननीय प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी ने सोलन बस स्टैंड पे अपनी रैली में ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि भी सोलन के लिए जो है नगर निगम दिया जाएगा। और उसके तत्पश्चात सोलन भारतीय जनता पार्टी मंडल माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिला और उन्होंने जो है इस पे जो है हमें आश्वासन दिया 2018 में भी लोकसभा इलेक्शन से पहले कि सोलन को नगर निगम बनाया जाएगा। इसमें जो है दो स्टेक होल्डर्स हैं, एक शहर वाले और दूसरे गांव वाले। गांव वालों का जो एक पक्ष है वो भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी काफ़ी सारे जो हमारी पंचायतें हैं आसपास की उसमें जो है अभी काफ़ी एरिया जो है वो कल्टीवेबल लैंड है और काफ़ी सारे लोग जो है पशु भी पालते हैं, गायें भी पालते हैं, तो उनका भी पक्ष देखना पड़ेगा। इसलिए जो है इस पे विचार किया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई बार जो है इस पे जितनी बार भी जो है हमारे बड़े मुख्य नेता गए हैं उन्होंने विश्वास या आश्वासन दिया है कि सोलन को नगर निगम बनाया जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है। जो नगर निगम बनाने के जो प्रश्न है इस पे दो नोटिस जो है प्रधानों के लिए जा चुके हैं, तो उसमें बल्कि पीछे तो कुछ पंचायतों ने उसमें हाँ भी कर दी थी, एक दो पंचायत कहाँ जहाँ तक आया था, लेकिन फिर वहाँ पे कुछ लोगों की ऑपोजिशन हुई है और उसके बाद उस पर थोड़ा सा जो है वो स्लोनेस आई है। लेकिन अब हम जो है जितने भी हमारे गांव के जो प्रधान हैं, गांव के लोग हैं, उनसे भी हम मिलकर बात कर रहे हैं कि अगर आपको भी इसमें मिलना है तो मिलिए,